यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस क्या है? ये पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस से कैसे अलग है? क्या यूपीएस के लागू होने से नई पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी? क्या यूपीएस नई पेंशन स्कीम से बेहतर है? जब से केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लॉन्च की है, तब से हर किसी के मन में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार की इस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे शॉर्ट में यूपीएस भी कहते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नई पेंशन स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन वहीं यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम से कितनी अलग है, कितनी तरह फायदेमंद है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आज मैं यूपीएस के हर पहलू के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए यूपीएस का सारा तिया पाचा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जहां केंद्र सरकार ने यूपीएस को लॉन्च किया है, वहीं एनपीएस को अभी तक हटाया नहीं गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। एक बार चुनाव करने के बाद फैसला अंतिम होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। दरअसल दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लागू कर दिया था। लेकिन लंबे समय से देश भर में एनपीएस का विरोध हो रहा है, जिसके चलते एनपीएस की समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में कमेटी बनाई। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियनों के साथ चर्चा की और चर्चा के बाद कमेटी ने मोदी कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की और इन्हीं सिफारिशों को एक साथ जोड़कर मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम योजना बना दी, जिसका नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। मोदी कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी भी दे दी है, जो कि अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से कैसे अलग है। जानकारी के मुताबिक यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक केंद्रीय कर्मचारी को जो बेसिक पे मिल रही थी, उसका 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इसे अशॉर्ड पेंशन का नाम दिया गया है, यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिल रही थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके लिए कर्मचारी का 25 साल या उससे ज्यादा समय तक सरकारी नौकरी में होना अनिवार्य है। वहीं अगर केंद्रीय कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम समय तक नौकरी की है, तो उसे उसी अनुपात में यानी उसी रेशियो में कम पेंशन मिलेगी। ये भी बेसिक पे का 50% हिस्सा ही होगा। और अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे भी कम समय तक सरकारी नौकरी की है, तो भले ही उसकी बेसिक पे कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। यूपीएस में अगली कैटेगरी है फैमिली पेंशन की। इसके तहत अगर किसी पेंशनधारी या किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौत हो जाती है, जो भी उसकी पेंशन होगी, ऐसे में उसका 60% हिस्सा उसकी पत्नी या परिवार को मिलेगा। इसके अलावा परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ यानी डीए का पैसा भी मिलेगा। और ये प्रावधान यूपीएस को एनपीएस से बेहतर बनाता है, क्योंकि एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी, लेकिन अब यूपीएस के तहत परिवार को मिलने वाली पेंशन का जो 60% हिस्सा है कर्मचारी की पेंशन का, वो परिवार को मिलेगा और ये फिक्स कर दिया गया है। यही नहीं, यूपीएस में पेंशनधारियों के लिए एक लमसम अमाउंट का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने तक नौकरी की है, तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% हिस्सा बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। फिलहाल यूपीएस को केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाया जा रहा है, जिनकी संख्या तकरीबन 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। अब अगला सवाल ये कि यूपीएस में सैलरी से कितना पैसा कटेगा। एनपीएस की तरह ही यूपीएस में भी कर्मचारी की सैलरी से 10% पैसा कटेगा, लेकिन जहां एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से सिर्फ 14% पैसे की हिस्सेदारी अपना योगदान देती थी, अब यूपीएस में हिस्सेदारी बढ़ाकर के 18.5% कर दी गई है। इसके अलावा सरकार हर 3 साल पर समीक्षा करके अपने योगदान में बदलाव कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं ओपीएस में कर्मचारियों को अपनी सैलरी से पेंशन के लिए कोई पैसे नहीं कटवाने पड़ते थे, उन कर्मचारियों को सरकार अपने खजाने से एक तय पेंशन का भुगतान करती है।
उम्मीद है कि अब यूपीएस को लेकर आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए यूपी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नीरज, देखते रहिए यूपी लाइव। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.